दिल्ली से अहम खबर आ रही, निषाद पार्टी ने एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया है और कहा कि राष्ट्रहित में यह फैसला किया गया है। संजय निषाद का कहना है कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन खबर तो यह है कि गोरखपुर या फिर जौनपुर से निषाद पार्टी को मैदान में उतारा जा सकता है। संजय निषाद, टिकट किसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, यह बीजेपी तय करेगी। लेकिन हम आपको बता दें, गोरखपुर उपचुनाव में एसपी के साथ निषाद पार्टी थी, एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और प्रवीण निषाद संसद पहुंचे, लेकिन अब अनबन हो रही है और यह एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि 5% निषाद पार्टी का वोटर है पूरे उत्तर प्रदेश में। कई जगह पर निषाद वोटर्स, इसमें कई सारी जातियां आती हैं, मल्हा ये भी इनके अंदर आते हैं और कई सारी सीटों पर इनका दखल है। ये बड़े दल हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया, वो क्या फैसला लेते हैं, कैसे जीत के आना है, एनडीए को सत्ता में आना है तो कौन सी स्ट्रेटजी बनेगी, वो स्ट्रेटजी मिलकर बनाई जाएगी। निश्चित रूप से सहयोग के लिए आए हैं और देश राष्ट्र हित में फैसला लिया गया, देश हित में फैसले लिए गए हैं। वो गठबंधन नहीं बल्कि हमारे लिए वो ठगबंधन था, क्योंकि नाम लेने से जिस तरीके गठबंधन के जो धर्म होता वो निभाए नहीं उन्होंने। आरएलडी या केवल समाजवादी बसपा का गठबंधन है, बाकी सारे लोग वहाँ यूज हो रहे हैं। जो वादा किया था वो नहीं किया, प्रत्याशी जो भी सीटें खाली करने के लिए कहा था नहीं किया, और अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे, हम निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ना चाहते थे, ये सारी बातें थी। सिटिंग एमपी थे और उसके डिक्लेरेशन में है, वो उसमें लेट कर रहे थे।